नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। लॉकडाउन के बीच में फतेहाबाद में नशे का कारोबार जारी है और 3 गुना नशा दामों पर बेचा जा रहा है। इसका खुलासा हुआ सीआईए फतेहाबाद पुलिस की कार्रवाई में। पुलिस ने भुना खेरी चौक से 100 ग्राम हेरोइन सहित 2 आरोपियों को काबू कर लिया है और आरोपियों की पहचान नन्ना निवासी बड़ सिकरी जिला कैथल हाल खेरी रोड नहर पार ढाणी भुना व आलोक उर्फ लौकी निवासी मॉडल टाउन भुना के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पकड़ी गई हीरोइन की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है और इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि सीआईए स्टाफ की टीम शनिवार को भुना क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान खेरी चौक पर सामने आ रहे से स्कूटी सवार 2 युवकों को रुकवा करके जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 100 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। डीएसपी ने बताया कि ये लोग दिल्ली से नशे की खेप लाते हैं और लॉकडाउन में 3 गुना दामों पर नशा बेचा जाता है। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है और मामले की कार्रवाई की जा रही है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए कल हमारे शहीद फतेहाबाद की टीम जो है ना बुना इराक के अंदर गश्त पर थी, तो उस दौरान एक स्कूटी पर सवार 2 व्यक्ति नन्ना व आरोप लोग दोनों को जो है ना काबू करके और उनके कब्जे से 100 ग्राम हेरोइन नाप के लिए और उनके खिलाफ अभियोगों के करके। कितनी कीमत की हेरोइन है सर? ये कीमत करीब जो है ना 15 लाख रुपए है। कौन कौन लोग साथ थे इसके और कहां से लेके आ रहे थे? ये अभी जो है ना इसका इनका आज प्रेस अदालत करके पुलिस रिमांड लेंगे और पुलिस रिमांड अवधि के दौरान जो है ना गहन पूछताछ बता रहे हैं कि कहाँ से लेके आए, इसमें जो है ना ये बात है डिस्क्लोज करके और आज इनको अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड। आगे किसको देने लिए जा रहे हैं? ये यही जो है ना मिलकर धंधा करते हैं और यही जो है ना कंज्यूमर को देते हैं। लॉकडाउन के बीच ही हीरोइन की लगातार सप्लाई जारी है, तो क्या मानते हैं कि कहाँ इतने सख्ती होने के बाद में मान लो जो सप्लाई जारी है? हाँ, ये जो है ना पीछे दिल्ली से भी लेके गए तभी पकड़ी थी और कल जो है ये पकड़ी गई थी। अब इसका एक मेन कारण और भी है, ये तस्कर बताते हैं कि पहले से अब जो ज़्यादा महंगे भाव से बिकती है 2-3 गुना रेट इनको जो है ना और मिलता है और पीछे से उसी रेट में लेके आ रहे, यही कारण है इसका। क्या कार्रवाई की गई सर जी? क्या कार्रवाई की गई? कार्रवाई इनके खिलाफ FIR दर्ज करके जो है ना आज गिरफ्तार कर लिया गया और आज इनको अदालत में पीछे कोई सर इनका रिकॉर्ड इस तरह का कोई? पीछे तो अभी जो है ना पता करेंगे इनका रिकॉर्ड के बारे में कितने अभियोग इनके खिलाफ उनके वार्ड पर।